किस तरह की मांगे हैं? मेरा नाम हरिओम, मेरा नाम श्रीमती सुनीता मेड़ा है। मैं पिछले 20 वर्षों से पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू से जुड़ी हुई हूँ। हमारा आज का उद्देश्य 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, इसमें हम हमारे पूज्य बापू जी की शीघ्र रिहाई के लिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है। पूज्य बापू जी के इतने सेवा कार्य है जो अनगिनत है। हम करोड़ों बहनों की यही मांग है कि हमारे बापू जी को रिहा किया जाए। सिर्फ एक लड़की के आरोप के कारण बापू जी पिछले 10 वर्षों से कारागृह में है, लेकिन विश्व भर में लाखों करोड़ों महिलाओं की मांग, हर साल करोड़ों लाखों बहने 8 मार्च को यही मांग लेकर पहुंचती है कि हमारी मांग को पूरा किया जाए और हमारे पूज्य गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू को सत्सम्मान रिहा किया जाए। लेकिन हमारी आवाज अभी तक सुनी नहीं गई है और इसका हमें कोई प्रमाण भी नहीं दिया गया है कि हमारी मांग का क्या हो रहा है। हमारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया एवं सभी राजनीतिक नेता महानेताओं एवं सभी अधिकारी कर्मचारियों से भी यही हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि हमारे बापू जी को ससम्मान रिहा किया जाए। बापू जी 86 वर्ष के हो चुके हैं, इतने वयोवृद्ध संत को जेल में रखना यह कहां की न्याय की बात है। जब नेताओं राजनेताओं और फिल्मकारों उन सब नायकों कलाकारों पर आरोप लगता है तो वो 5 मिनट में 1 घंटे में छूट जाते हैं, उनको तो वहाँ रात भी बिताने नहीं पड़ती। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव तो पिछले 10 वर्षों से जेल में है। हम सभी बहनों की करुणा पुकार और हम सभी बहनों की दुख को आप मीडिया वाले पहुंचाए, आप देश देश में कोने कोने में ये बात पहुंचाए कि हमारे बापूजी निर्दोष है, निर्दोष थे, निर्दोष है और हमेशा निर्दोष ही रहेंगे, निर्दोष ही रहेंगे। हमारे बापूजी को सम्मान रिहा करो, बस हमारी यही मांग है और हम इसी मांग को लेकर हर साल एकत्रित होते हैं और हम आज भी एकत्रित हुए हैं। हमारी मांगे है कि बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि संत श्री आसाराम जी बापू को बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। साफ साफ दिख रहा है कि उनको एक दिन की भी, उनकी उम्र को देखते हुए उनको एक दिन की भी पेरोल नहीं दी गई। साफ साफ दिख रहा है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है बापू जी के खिलाफ और हमारी मांगे यही है महिला उत्थान मंडल की तरफ से कि जल्द से जल्द बापू जी को रिहा किया जाए। सारे आरोप उन पर लगाए हुए झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आप कितने सालों से संत आसाराम बापू से जुड़े हैं? बापू जी से 40 सालों से जुड़े हैं। क्या फायदा हुआ? और फायदा तो अनगिनत है, शब्द भी नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। विनती है कि मेरे बापू से सम्मान पूर्ण व्यक्तित्व पे पधारे। तो उसको सजा हो गई है? सजा हो गई है, वो सजा गलत है ना। संतों के साथ ऐसा क्यों, हिंदू संतों के साथ ही ऐसा क्यों? क्या नाम है आपका? सुनीता। बापू जी के मंच से जुड़ी हुई हूँ, पाठ करती हूँ। क्या नाम है? साधना गुड़िया। बापू जी को रिहा करो, रिहा करो, बापू जी हमारे निर्दोष है, रिहा करो, रिहा करो, बस बापू जी को रिहा करो।